जी योगी आदित्यनाथ, तमाम लोगों पे कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि अब चुनाव आयोग का डंडा चल रहा है? देखिए, चुनाव आयोग अपना समझे और जो वक्तव्य आए हैं उसको विचार करके, जांच करके और उनको स्पष्टीकरण पूछ करके, ये नहीं कि यूनिलैटरली एक्शन ले लें। जैसे मायावती जी ने कहा कि हमसे पूछा भी नहीं गया और एक्शन ले लिया गया, तो ऐसे इस काम से बचना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को पूछ लेना चाहिए और ये ज़रूर हम कहते हैं, किसी को भी आपत्तिजनक, किसी के लिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पार्टी हो, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और इसमें अगर कहीं किसी ने कुछ किया है तो जांच के बाद इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, बिना जांचे नहीं करना चाहिए। वैसे इलेक्शन कमीशन पर हम लोगों की उंगलियां उठ रही है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के इशारे पर बहुत काम कर रही हो, वैसा काम उनको नहीं करना चाहिए, उनको निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। देखिए, दोस्ताना झगड़ा तो जिसे मधुबनी की बात आप क्यों कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं मधेपुरा में? मधेपुरा में भी तो लोग लड़ रहे हैं दूसरे लोग, लेकिन उससे थोड़े कोई फर्क पड़ रहा है। तो वहाँ रणीता रंजन की बात है, हम लोग उनके लिए प्रचार भी करेंगे, वो जीतेंगी। उसी प्रकार से अन्य जगहों में भी है, और दोस्ताना झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, हर पार्टियों में लगभग ऐसा हो रहा है, वही बात हमारे यहाँ भी बात हो रही है, तो उससे हम लोग बहुत चिंतित नहीं हैं। हमारे महागठबंधन की जीत हर जगह, जैसे फर्स्ट फेज में चारों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, उसी प्रकार से आज सेकंड सीट में भी 5 सीट का है, यहाँ पर भी हम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है। और हम समझते हैं कि जो फर्स्ट फेज में जैसा रिजल्ट होने वाला है वैसे ही सेकंड फेज में, तो कहीं कहीं दोस्ताना लड़ाई होती है और जिसको फ्रेंडली फुटबॉल मैच कहते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन को कोई घाटा नहीं होगा और हम समझते हैं कि जो महागठबंधन में पहले जितनी एकजुटता थी उससे ज़्यादा एकजुटता हो गई है और इससे कोई चिंता का विषय नहीं है। Thank you.